एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारे आसपास कोई हवा ना हो। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बिना हम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन पानी में रहने वाले जानवरों का क्या? उन्हें भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उन्हें कहां से मिलती है ये ऑक्सीजन? जवाब है पानी से। असल में पानी में डिसॉल्व्ड यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन होती है। जी हाँ, जैसा कि इसका नाम हमें बताता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। तो किसी भी चीज के डिसॉल्व होने का आप क्या मतलब समझते हैं? यदि आपने कभी चीनी और पानी को मिलाया है तो आपने देखा होगा कि चीनी पानी में गायब हो जाती है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स चीनी के बड़े टुकड़ों को छोटे भागों में तोड़कर उसके मॉलिक्यूल्स के चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे ये एक यूनिफॉर्म मिश्रण में बदल जाता है। क्योंकि इस मिश्रण के सभी एलिमेंट्स पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हम इस मिश्रण को एक विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि कोई चीज घुली हुई है तो इसका मतलब है कि वो एक समान रूप से वितरित मिश्रण में मौजूद है, जिसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अब उन चीनी के मॉलिक्यूल्स की तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ये डिसॉल्व ऑक्सीजन आखिर आती कहाँ से है? वेल, दो तरीके हैं जिससे कि ऑक्सीजन जलाशयों जैसे कि समुद्र या झीलों में प्रवेश कर सकती है। पहला है वायुमंडल यानी हमारे चारों ओर मौजूद हवा से। वायुमंडल का लगभग पांचवां हिस्सा ऑक्सीजन से बना है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जलाशयों के पानी में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। इससे भी अधिक ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पानी में प्रवेश करती है। जैसा कि आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन वास्तव में पेड़ पौधों के अलावा कई अन्य जीव भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया काम में लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया नामक छोटे से हरे रंग के बैक्टीरिया से लेकर कुछ अजीबोगरीब नाम वाले फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे कि डाइनोफ्लेजलेट, ये सभी प्राणी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वे असल में ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं जो पानी में घुल जाती है। अब इस डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्या होता है? याद रखें कि हमारी जैसी कई अन्य जीवित चीजें, जानवर, पौधे, फाइटोप्लैंक्टन्स और बैक्टीरिया पानी के भीतर रहते हैं और इन्हें भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वायुमंडल और पानी के बीच लगातार आदान प्रदान चलता रहता है। लेकिन ध्यान दें, हमेशा कुछ ऑक्सीजन जरूर होती है जो डिसॉल्व्ड रहती है और इसकी मात्रा पानी की नमकीनता, उसके तापमान और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर की तुलना में पहले से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। अब पानी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर से भला क्यों कोई असर पड़ना चाहिए? देखिए, ये वैसा ही है जैसे एक भीड़ से भरे कमरे में एक खाली कमरे से अंदर जाना। आप अंदर जाना नहीं चाहेंगे और अंदर के लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी तरह यदि आसपास की हवा की तुलना में पानी में अधिक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पानी से हवा की ओर जाना चाहेगी। वहीं अगर हवा में अधिक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हवा से पानी में जाना चाहेगी। ये प्रिंसिपल पानी की नमकीनता के लिए भी वैलिड है। यदि आपने कभी समुद्री जल का स्वाद चखा है तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना नमकीन होता है, क्योंकि इसमें नमक घुला होता है और ये नमक भी पानी में जगह घेरता है। सोचिए अगर उस भीड़ भरे कमरे में और अधिक लोगों को जोड़ दिया जाए। अब जब कमरे में और अधिक लोग होंगे तो आपके लिए और भी कम जगह बचेगी। इसलिए पानी जितना नमकीन होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए उतनी ही कम जगह बचेगी। अब तापमान का क्या असर होगा? जब चीजें गर्म होती हैं तो उनकी एनर्जी और मूवमेंट बढ़ जाती है। फिर से अपने आप को उस भीड़ से भरे कमरे में इमेजिन कीजिए। जैसे ही थोड़ी अफरा तफरी मचती है, कमरे से बाहर आना बहुत आसान हो जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का केस भी कुछ ऐसा ही है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जैसे ही गर्म किया जाता है, वे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका पानी से निकलना आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वायुमंडल से या फोटोसिंथेसिस से पानी में प्रवेश करती है। वहाँ पानी में रहने वाले जीव इसे काम में लेते हैं या पानी के तापमान, नमकीनता और पहले से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ये फिर से वातावरण में मिल जाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि किसे पड़ी है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। याद रखें कि सभी जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जहां ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक जीव वहां रह सकते हैं। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि किसी झील या नदी का पानी कितना स्वच्छ है, वैज्ञानिक उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं। जीव जंतु भी स्वयं को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। सालमन जैसी मछली को बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो केवल ठंडे स्थानों पर ही रह सकती है। लेकिन कैटफिश जैसी मछली गर्म पानी में रह सकती है, क्योंकि उसे कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी सोचा है कि अलग अलग जगहों पर मिलने वाली मछलियों के प्रकार अलग क्यों होते हैं, तो इसका एक कारण ये भी है। ये मछलियाँ भी पानी में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाने पर जिंदा नहीं रह सकती और मनुष्य यूट्रोफिकेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से मीठे पानी के ऑक्सीजन के स्तर को लगातार कम कर रहा है। यूट्रोफिकेशन एक जटिल शब्द है जिसका मतलब है हानिकारक पदार्थों जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस बेस्ड केमिकल्स को किसी भी जलाशय में मिला देना। इससे बहुत सारे पौधों और साइनोबैक्टीरिया को पनपने में मदद मिलती है। लेकिन क्या ये पौधे पानी के लिए अच्छे नहीं है? क्या वे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाते?
बढ़ाते हैं, लेकिन जब वे मर जाते हैं तो नदी में डूबकर उसके तल पर पहुंच जाते हैं और समय के साथ डिके होने लगते हैं। इस डिके के दौरान वे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मछलियां और अन्य जानवर मर जाते हैं और नदी प्रदूषित हो जाती है। तो अपना कचरा सही जगह फेंकें और रिसाइकल करें। साथ मिलकर हम अपने समुद्री और मीठे पानी के इकोसिस्टम को संरक्षित कर सकते हैं।